Hi everyone, welcome back to my channel. For those who know me and for those who do not know me, my name is Vriti, this is my world, this is my channel, this is my space. Drum roll. How are you guys? For the new ones, my name is Vriti. I create content on fashion, food, travel, lifestyle. Mummy ko pareshan karna, bhai ko pareshan karna, basically har wo cheez karna jo mujhe pasand hai. I love, like and resonate too. And for the old ones, thank you so much for again clicking on this video. So, by the title, aap logo ko pata chali gaya hai ki hum log aaj Shankar Market ja rahe hain. To maine na online kafi dekha and mujhe Shankar Market ke bare mein na zyada kuch nahi mila, thodi thodi videos mili and I was like, yeah, Shankar Market has been one of the very oldest markets in Delhi and abhi kapda market aur bhi bahut sari aa gayi hai but originally it was Shankar Market. So I thought, why not main ye zimma apne sar pe uthaun aur aap logo ko Shankar Market dikhaun. To aaj jo jo dekhna chahta hai Shankar Market mein kya hai, Shankar Market kahan hai aur wahan pe kya kya milta hai, then let's get into the video. Let's go. Surprise for you all. It is a very pleasant surprise. तो मेरी जो Uber driver हैं, वो कोई gents नहीं, ladies हैं. And मैं जैसे ही अंदर घुसी ना, तो normally आप जब you know cab करते हो ना, तो आप ऐसे करके अंदर घुसते हो. मैं अंदर घुसी और मैंने ना इनको देखा. She has such pretty smile and such innocent face. तो हम इनसे ना पहले थोड़ी सी बात करेंगे. Hello. Hello. आप कैसे हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है. आप कितने टाइम से चला रहे हो? मैं 2012 से टैक्सी चला रही हूँ. Oh, that's nice. तो आप मतलब वेस्ट में मोस्टली चलाते हो? हाँ हाँ, दिल्ली एनसीआर में. अच्छा, पूरा दिल्ली एनसीआर. ये आपकी अपनी गाड़ी है? हाँ जी. Oh, that is so nice, यार. This is so nice. I mean, you know, normally, majorly, जो Uber जो drivers होते हैं, वो males होते हैं. Female drivers और भी हैं क्या Ubers के? Uber के? हम लोग 200 female drivers. हाँ जी. दिल्ली एनसीआर में. जी. Oh, that is nice. तो मतलब आपको as a female driver आपको safe लगता है? पहले तो थोड़ा अनसेफ लगता था, अब तो ठीक है, कुछ ऐसा हुआ नहीं. चलो अच्छा ही है. एंड मतलब जैसे आप फीमेल, आप कह रहे हो कि 200 फीमेल ड्राइवर्स हैं, तो मतलब अगर आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटी है? जो फैसिलिटी जेंट्स को मिलती है वही है बस. चलो कोई बात नहीं, आई एम जस्ट हैप्पी यू नो टू सी दैट अ फीमेल इज डूइंग दिस एज वेल. आई मीन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है जो लेडीज नहीं कर सकती. एंड आपको भी मतलब जैसे मैंने आपको देखा और ना मुझे बड़ा अच्छा वाला फील हुआ. आपसे लोगों ने पहले बात करी है? हाँ, नॉर्मली करती हैं. हाँ, गर्ल्स करती हैं. दैट इज रियली नाइस गाइस. मैं मेरे को लगता है कि अगर आपको कभी भी कोई भी ऐसा कोई इंसान दिखे यू नो कि कोई ऐसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम कर रहा है, हालांकि मतलब फीमेल्स के लिए दिस इज नथिंग, बट देन अच्छा लगता है. एंड इफ यू यू नो फाइंड समवन हु इज डूइंग लाइक दैट, ऑलवेज 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 इनकरेज दैट पर्सन. चलो अब शंकर मार्केट चलते हैं. सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ शंकर मार्केट. सी पी की मेन रोड पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये बोर्ड दिखेगा एंड उससे लेफ्ट जाके सारी की सारी शंकर मार्केट शुरू हो जाती है. दिस इज द फर्स्ट शॉप. सो एज सून एज यू टेक लेफ्ट फ्रॉम वेयर द बोर्ड इज, ये पूरी की पूरी शंकर मार्केट शुरू हो जाती है. ये सारा शंकर मार्केट है लेफ्ट में. राइट साइड में छोटी छोटी दुकानें हैं, चार्जर की, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक्स की, और ये पूरी की पूरी लेन शंकर मार्केट है. सो अनलाइक एनी अदर मार्केट, ये मार्केट कॉरिडोर्स में बनी हुई है. ये बाहर एक लाइन है जहाँ पे जेंटलमैन चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कॉरिडोर्स है जहाँ पे आपको सारी दुकानें मिलेंगी. Oh,
ओके, सो बेसिकली शंकर मार्केट उन जगहों में से एक है जहाँ पे मेरी मॉम, मेरी दादू, एवरीबडी यूज टू कम एंड बाय स्टफ. यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो सिर्फ 10-15 साल पुरानी नहीं है, कुछ शॉप्स तो 20-25-30 ईयर्स ओल्ड है. आज भी कतरन मार्केट अब आई है, कुछ कपड़ा मार्केट अब आई है दिल्ली में. शंकर मार्केट हैज़ बीन वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ प्लेसेस जहाँ पे कपड़ा शुरू होता है. आज भी अगर मेरे घर में कोई कपड़ा लेना होता है या मेरी मॉम को कुछ चीज़ चाहिए होती है, दुपट्टा चाहिए होता है या कुछ बेसिकली इन लोगों को एनीथिंग रिलेटेड टू इंडियन वेयर चाहिए होता है, मेरी मॉम आज भी ये बोलती है शंकर मार्केट चलते हैं, वहाँ पे ले लेता है. बिकॉज द क्वालिटी दैट यू गेट इन शंकर मार्केट इज एक्सक्विजिड. एंड क्वालिटी हो गए, प्रिंट्स हो गए, चीज़ें हो गई. दिस इज़ अ वेरी, आई डोंट नो, बट दिस इज़ अ वेरी अंडररेटेड मार्केट. आई डोंट नो व्हाई डोंट पीपल कम एंड कवर दिस. यहाँ पे एवरी डे कपड़ों से लेकर फेस्टिवल्स के लिए कपड़े, देने लेने के लिए कपड़े, ऑथेंटिक चिकनकारी कपड़े, लहंगा चोली, कॉर्ड सेट्स, यू गेट एवरी थिंग. सो आई हैव कम टू दिस शॉप बिकॉज आई वॉज फाइंडिंग अ लिटिल गुड स्टफ हियर, सो आई थॉट ऑफ शोइंग यू पीपल, सो लेट मी शो यू व्हाट ऑल दे हैव. आपकी स्टार्टिंग रेंज क्या है? ये आपका आएगा 3595. अभी जैसे दिवाली नाइट्स होती हैं, डांडिया पे अगर किसी ने पहनना है, इवन फॉर दैट मैटर शादियों के लिए दे हैव गुड स्टफ. ओके, तो इनके पास लहंगा चोली भी है. क्या है इसका स्टार्टिंग कॉस्ट? 'Everyday light stuff' क्योंकि ये घर में, ये वो चीज़ है जो आप ऑफिस में भी पहन सकते हो, घर में भी पहन सकते हो, शाम को आप किसी के घर जा रहे हो, कोई आपके घर आ रहा है, आप तब भी पहन सकते हो, एंड इट लुक्स रियली वेरी नाइस. तो ये जो आपके ये जो कॉर्ड सेट्स की क्या रेंज है? 2195. तो यहाँ पे आपको ऐसे पूरे सेट्स विद दुपट्टे मिलेंगे 1100, 1200, 1300 की, वो 1095 की रेंज में. My love for chikankari has always been the talk of everyone. And तो basically जब तक मैंने लाजपत नगर वाली चिकनकारी की shop discover नहीं की थी, मेरे उससे पहले के सारी चिकनकारी वाले मैं यहाँ से लेके जाती थी. और ये वो चिकनकारी है जो सारा का सारा लखनऊ से आता है, मेन हब से आता है. So you get a lot of chikankari from here and I'm going to show you the shop. So this is particularly that shop जहाँ से मैंने अपने कुछ कुर्ते पहले के उठाए हुए हैं, and till date they are in beautiful condition. The quality, the stitching, the material, the chikankari, the work, everything is premium and really really good quality. It looks so rich and elegant when you wear them. Just because ये जो चिकनकारी वाले लोग हैं ना, ये authentic हैं, so obviously they're a bit expensive. But मैंने यहाँ से अपने जो कुर्ते उठाए हुए हैं, आज उन कुर्तों को 5-7 साल हो गए हैं and they are spick and span. वो जैसे थे वो वैसे ही हैं. मैं इतनी बारी पहन चुकी हूँ and nothing has gone wrong with them. तो यहाँ पे ना ऐसे थान में भी कपड़े आपको मिल जाते हैं जैसे आप निकाल. तो यहाँ पे ना आपको शॉप्स बहुत नॉर्मल सी दिखेंगी, बट दे हैव रियली गुड स्टफ इनसाइड. तो यहाँ पे ना ऐसे ऐसे शॉप्स हैं, वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनसाइड द शॉप्स यू विल नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ. यहाँ पे ऐसे हर कलर के थान में आपको कपड़े मिलेंगे.
सो विंटर इज अराउंड द कॉर्नर और विंटर्स में बहुत साए होते हैं, बहुत शादियां होती हैं. यहाँ पे आपको विंटर में इंडियन वेयर भी बहुत अच्छा मिलेगा. ये जगह सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं, जेंट्स के लिए भी है. फॉर जेंट्स यू गेट एवरीथिंग, इंडियन, वेस्टर्न, एवरीडे, एवरीथिंग. This is the oldest market, Shankar market, since partition 1947, but it's not picked up. I don't know why. What is the reason? Like people run. The reason is the government, the NDMC has not really helped us. We don't have toilets, we don't have infrastructure, we don't have roads, we don't have eating places. Yes, I think the majority, the problem is eating places. Yes. Because every market has a eatable joint or something like that, like where people... Nagar, laddu. Everything. You know, you have small little markets where you can sit down, eat and get up and shop. And this being the oldest and the pioneers of, you know, this we place... We have the best items, the best fabrics, the most reasonable. And we do wholesale, we do retail. But I'm sorry, this season is any bad. Really? Last couple of years, it's gone very slow. After COVID? After COVID. Okay. Good luck. Thank you. I am really sorry, मेरा यहाँ पे ना माइक आई थिंक बंद हो गया था, तो मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि शंकर मार्केट अकेली आई थिंक वन ऑफ दोज मार्केट्स है जहाँ पे आप कपड़ा खरीदोगे और आपको टेलर्स भी वहीं पे मिल जाएंगे. एंड ये टेलर्स इतने पुराने हैं दैट इनकी हाथों की सफाई इतनी अच्छी है, यू गिव देम एनी डिज़ाइन एंड दे विल मेक इट फॉर यू. सो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाता है कि आप जहाँ से कपड़ा ले रहे हो आपको टेलर भी वहीं पे मिल जाएगा, तो आपको कहीं पे हसल बसल नहीं होगी इधर उधर भागने की. अभी आई हूँ यहाँ पे, ये ओनर है एंड ये नॉर्थ ईस्ट से. मैम आपकी दुकान को कितना टाइम हो गया? मैम 2007 से दिल्ली में काम कर रही हूँ. आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा. ओके. तो वहाँ मेरा एम्पोरिया में 14 साल मैम मेरा कॉन्ट्रैक्ट थी. हाँ जी. उसके बाद मैं सोचा मेरा एक अपना आइडेंटिटी होना चाहिए. हाँ स्वीट. गवर्नमेंट में तो सब गवर्नमेंट रूल करते हैं, मेरा काउंटर हो सकता है बट गवर्नमेंट रूल करते हैं. तो मैंने सोचा शंकर मार्केट में भी एक स्टोर खोलना चाहिए जिसमें मैं अपना आइडेंटिटी से कुछ कर पाऊँ एंड मेरे अपना पसंद का स्टाफ रखूँ जो सब लेडीज हो. How sweet. शंकर मार्केट में मैंने 2011 से काम शुरू करा एंड मैं ही फर्स्ट लेडी हूँ शंकर मार्केट में काम कर रही हूँ जिसमें मैं डिज़ाइनर ड्रेस बना देती हूँ. मैं अपना कस्टमाइज्ड कुर्ता भी बनाती हूँ जो मटेरियल एंड डिज़ाइनर ब्लाउज भी करा देती हूँ. हम लोग इतनी मार्केट्स घूमते हैं, करते हैं, चीज़ें करते हैं. जस्ट कम हियर वंस एंड सी फॉर योरसेल्फ व्हाट ऑल इज अवेलेबल एंड पीपल इन दिस मार्केट आर रियली स्वीट. चलो
कस्टमर कितनी हुई? You have a full shop for ready-made blouses here as well. जैसे जी के नॉल में यहाँ पे भी full shop है. Okay, so this is the end of this market. मैंने आपको मोटा मोटा दिखा दिया, ओवरव्यू दे दिया कि इस मार्केट में क्या क्या है एंड क्या क्या मिलता है. अब मैं कहीं पर बैठूँगी एंड बिकॉज आई एम हंग्री इज़ वेल, आई विल सिट डाउन एंड टेल यू अ लिटल बिट मोर अबाउट दिस मार्केट एंड उसके बाद हम ब्लॉग क्लोज करेंगे. सो लेट मी सिट डाउन एंड देन आई विल सी. तो मैं मैकडोनल्ड्स आ गई हूँ, मैकडोनल्ड्स बहुत ज़्यादा भरा हुआ था तो मैं यहाँ पे KFC आ गई हूँ. आज थर्सडे है पर मैंने वेज बर्गर ले लिया. मेरे को आप लोगों को ना कुछ बताना है शंकर मार्केट के बारे में, तो बाद में बात करेंगे. आई वॉन्ट टेल यू गाइज वन थिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई डू सम पीपल थिंक कि अगर आप आके कहीं पे किसी को ऑर्डर प्लेस किया है तो आपका उन पर कोई हुक्म चलता है. मुझे वो लोग इतने बुरे लगते हैं ना, जिनको लगता है कि अगर आप पैसे दे रहे हो किसी चीज़ के लिए तो आपने दूसरे इंसान को ख़रीद लिया. यहाँ पर एक लेडी, मेरा ना थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया. यहाँ पे ना एक लेडी ना जो सर्व कर रहे थे उनको ना कहती है मेरा ऑर्डर रेडी है, तो वो कहता है कि मैम ऑर्डर रेडी हो जाएगा ना हम आपको बता देंगे. कहती ऊपर नहीं दिख रहा तेरे को लिखा हुआ है, तो वो कहता है कि मैम अभी ऑर्डर रेडी हो गया है, प्लेसिंग हो रही है, होगा तो आवाज़ दे देंगे. तो फिर मेरे को देखती है, मेरे को कहती है बदतमीज़ लोग, उनको काम नहीं करना आता. आई डिड नॉट लुक एट हर, आई डिड नॉट गिव हर एनीथिंग. उसको लग रहा था कि शायद वो मुझे देख लेगी तो मैं उसको और इनकरेज करूँगी. और उसके बाद नाउ शी इज़ वॉकिंग टुवर्ड्स मी. सो उसके बाद उनको लगा, क्या कहता है कि जब मैंने कुछ नहीं बोला ना तो उन्होंने ना मेरे को ना, मैंने फ्राइज़ मांगे थे स्पाइसी वाले, वो लेके आई एंड वो ना मुझसे बात कर रहे थे. तो उसको कहती है यहाँ पे बकचोदी जो तुम कर रहे हो, जाके तुम काम नहीं कर सकते. आई लिटरली लुक्ड एट हर, आई वाज लाइक मैम योर ऑर्डर इज़ गेटिंग रेडी, हैव पेशेंस. और वो लोग भी इंसान हैं. ओ गॉड, आई लॉस्ट माई, आई डोंट लाइक वेन पीपल मिसबिहेव विद पीपल हु आर वर्किंग फॉर देम, देयर डोमेस्टिक हेल्प. यहाँ पे उनको लगता है कि वेटर्स जो हैं या फिर जो लोग सर्वर्स हैं, मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं. एनी वेज, आई विल ईट दिस, ड्रिंक दिस एंड अब मैं घर जाके ही आपको मिलूँगी. तब तक मैं थोड़ी सी पीस आउट हो जाऊँगी और फिर हम जाके ब्लॉग क्लोज करेंगे. Welcome back guys, I just got back home and I thought of showing you what all I got. What all nahi, what I got. Main ek hi cheez leke aayi hu wahan se and that is I am a big fan of dupattas. So ye dupatta bahut 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 sundar aur itna soft dupatta hai. This is what the dupatta looks like. ये कुछ प्योर में उन्होंने बोला था. ये दुपट्टा मुझे इतना प्यारा लगा ना, ये दुपट्टा ये मैं लेके आई. The original cost of this dupatta was, I believe 1100-1200. That auntie was saying, ये उन्हीं आंटी की शॉप से मैंने लिया जहाँ पर मैं आपको दुपट्टे बहुत सारे दिखा रही थी. And she gave me on a very 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 reasonable rate and she asked me not to put in the video क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है. तो yes. ओके, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. तो मार्केट इतना पीछे क्यों रह गई है? ये मार्केट इसलिए इतना पीछे रह गई है, पीछे भी इन द सेंस दैट नो बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट दिस मार्केट. बिकॉज आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, वहाँ पे आपको खाने पीने के जॉइंट्स मिलेंगे, खाने पीने की दुकानें मिलेंगी, ठीक है, बच्चों की अट्रैक्शंस मिलेंगी, गुब्बारे वाले खड़े होंगे और या फिर कुछ बेच रहे होंगे या फिर बेसिकली जो चीज़ें और मार्केट को अट्रैक्ट करती हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, खाने पीने के सामान, रेडी रेस्टोरेंट्स, जैजी लाइट्स, इस मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. क्वालिटी ऑफ द क्लोथ्स दैट यू बाय फ्रॉम हियर, दे आर रियली रियली गुड. ऑल्सो यहाँ पे ना बहुत फॉरनर्स आते हैं एंड बहुत एक्सपैट्रिट्स आते हैं एंड बहुत यू नो लॉयर्स, उस लेवल के लोग आते हैं. तो यहाँ पे आपको लगेगा कि प्राइस थोड़ा सा हाई है, लेकिन यहाँ पे हर बजट के लोगों के लिए आपको सामान मिलेगा. एंड
And that's about it. I wanted to tell you about this market. I wanted to show you this market. So I hope you've liked the video. I hope this video was useful. आप अगर चाहते हो कि कोई दिल्ली NCR की कोई भी ऐसी मार्केट है जो मैं कवर करूँ तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो. I would really, really, really love to go and see that market and explore that market for you. So that's it for this video. And I hope you've liked it. If you did, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. I'll see you in my next video. You take care. Bye-bye. Sashikal.